इंटरमॉडल स्टेशन बनाने के लिए अजनी में होने वाले हजारों पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान के सदस्यों ने की और सरकार से पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग से जब दुनिया ही नहीं बचेगी तो तुम्हारे विकास का क्या महत्व। दुनिया के 200 देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कठोर नियम बनाने पर जोर दिया है। इसलिए अजनी में इंटरमॉडल स्टेशन बनाने के लिए हजारों पेड़ों को काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका सीधा असर मानव जाति के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जिसे देखते हुए कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान द्वारा पेड़ों की कटाई का निषेध किया गया। मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने रातों रात 1500 पेड़ों की अवैध कटाई की थी, जिसके विरोध में सत्ता में भागीदारी रहने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला था और कोर्ट से स्टे लिया था। राज्य की सत्ता बदलने के बाद उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने और मेट्रो कार शेड को आरे के जंगल से शिफ्ट कराया, जबकि अजनी में तो आरे से कई गुना ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। फिर भी मुख्यमंत्री क्यों दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? क्या मुंबई के लिए अलग और नागपुर के लिए अलग नियम है? इस अवसर पर अजनी के पूर्व पार्षद तनवीर अहमद, एडवोकेट अशोक यावले, दिनेश वाघमारे, गिरिजा शंकर अग्रवाल, नरेश खड़से, प्रकाश सावंके समेत अन्य लोग उपस्थित थे। BCN न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।